मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुरान की सूरह यासीन आयात के साथ एक कवर पर कांग्रेसी नेता की तस्वीर छापने पर बवाल मच गया है। मुस्लिम समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस नेता विवेक यादव विक्की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नज़ीर का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मजहब में इसे माना जाता है। कांग्रेस के नेता और समाज सेवी विवेक यादव विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों उज्जैन उत्तर में सक्रिय हैं। वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं, हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भी दिए। इन्हीं उपहारों में कुरान की सूरह यासीन की आयतों की किताब भी थी, जिसके कवर को लेकर अब विवाद हो गया है। इस किताब के कवर पर एक तरफ कांग्रेस नेता विवेक यादव का नाम और उनकी तस्वीर प्रकाशित है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरह यासीन नाम की आयत। पूरे मामले पर तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद फारूक ने महाकाल थाने पहुंचकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इस तरह की किताबें बांटना गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने गलती करी, कोई भी आदमी है अगर गलती करता है तो पनिशमेंट तो उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आज जैसे मैंने करी कल मेरा भाई करेगा। हमारा एक एक ही उद्देश्य कि भाई जिसने भी गलती करी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कानूनी रूप से। किताब तो उन्होंने खुद ने बांटी अपने हाथ से, अब वो किसी का भी बता रहे तो नाम बताए ना भाई, इसमें कहाँ पे छपी पुलिस पूछ लेगी। जिस भी प्रिंट प्रेस पे छपी वो खुद बताएगा कि मैंने मेरे वहाँ छपवाने आए थे, मेरे पास ये मैंने ये बिल दिया उसको, वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। जब जाँच का समाज की भावना तो बड़ी ज़बरदस्त आ रहा था। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि 1478 साल हो गए कुरान पे आज तक किसी का फ़ोटो नहीं छपा हमारे, जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़ोटो नहीं छपा। उन्होंने खुद ने मना किया, एक धार्मिक किताब है, उस धार्मिक किताब से हमें शिक्षा मिलती है कि बुराई को किस तरीके से ख़त्म करना, मानवता किस तरीके से कायम करना। हम इंसान हैं, हमें सबसे पहला इंसान ही बनना, ये सारी चीज़ें हमें कुरान से मिल रही हैं। उसी कुरान के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है और अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए सीधे साधे गरीब लोगों को इस तरीके से 500 और सूट बांट के और सूरह यासीन दे रहे हैं। ये इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं और ये समाज किसी भी प्रकार से ऐसी बातें सहन नहीं कर पाए। मैं इस मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी समाज हो, धर्म की कोई सी भी किताब हो, वो आस्था से जुड़ी हुई होती है और उसके साथ अगर खिलवाड़ होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। हालांकि एएसपी जयंत सिंह राठौर का कहना है कि पूरे मामले में मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञापन देने के बाद विवेक यादव विक्की ने माफीनामा लिखकर दे दिया है। समाज को लेकर कोई सामाजिक ऐसी नीति कुछ आयतें थी वो उनने लिखी थी, उसका कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई दुरुपयोग के उसमें, उनने वो आयतें अपने फोटो के साथ डाली थी जो कि लोगों को बुरी लगी, इसीलिए उन्होंने आवेदन दिया। इस पूरे मामले में विवेक यादव ने कहा कि उनसे अनजाने में ये गलती हो गई है। विवेक यादव ने पोस्ट को भी हटा दिया है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है और माहौल को लेकर पुलिस अलर्ट है। किसी व्यक्ति ने एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर मेरी फोटो लगा करके लोगों में बांटा, जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखता हूँ, दोनों अलग अलग विषय हैं। हम इंसानियत की बुनियाद पर आपस में अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखेंगे। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा मामला हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, लेकिन विक्की यादव के माफी मांग लेने पर फिलहाल हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। हालांकि आगे ऐसा न हो इसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी चुनाव प्रचार में धार्मिक पुस्तक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।